कांग्रेस बदलो ग्राक लाइनी बगे दल हांगर थी नायका कांग्रेस की त्रिपुरा इंचार्ज अजित कुमार सरांसलो दल हांगर अम्बासा सार्केट हाउस हांगर ने जुदा जुदा बखास कांग्रेस की आदम रोबा टक सालायका कांग्रेस बदलो बहाके तेब ग्राक खाइमान ते बदल की मथाना बहाके तेब रागलीमान अबर नहारीनो तीन अम्बासाओ अमहाय सामबान यागो नहार जाखा मथा संसारनी बड़ बड़ जुंजाल तक आब्रती कक सालायका फायमान जखा प्रदेश कांग्रेस की कासको पीयूष कांति विश्वास कांग्रेस की गजाम कासको बिरोधी सिन्हा कांग्रेस की दलय हांगर कासको मानिक देमनकारी गुबुनी आदंग ककटुमाथुन रिबुसकांगो अजय कुमार सागा 2023 बीसी विधानसभा चौमारी बगे कांग्रेस बदल तैयार अंजाक काशा बदल फनो हालक बया हेने थका पहला चीज ये देखिए, पहले तो कांग्रेस की स्थिति त्रिपुरा में अच्छी थी, लेकिन हाल के जो दो चुनाव हुए तो उसमें अच्छी प्रदर्शन अच्छा नहीं, ये सच्चाई। लेकिन लोग चाहते हैं कि कांग्रेस वापस आ जाए। अब कांग्रेस को ये सुनिश्चित करना है कि वो लोगों के अपेक्षा के मुताबिक जो है जमीन पर उतरे। पब्लिक चाह रही है कि, जनता चाह रही है कि कांग्रेस वापस आ जाए, लेकिन पहले कांग्रेस को चाहना पड़ेगा कि वो वापस आ जाए। तो इसलिए जब हम कमिट अभी पूरी तरह से एक नया टीम बनाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए टीम के साथ 17 महीने बाद चुनाव है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। एक आपके माध्यम से क्लियर मैं करना चाहूँगा, हम किसी हालत में ना तो टीएमसी से बात करेंगे, किसी हालत में सीपीआई से सीपीएम से बात करेंगे, किसी हालत नो बीजेपी नो सीपीआई। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा है कि जो टीएमसी कर रहा है वही कर रहा है जो बीजेपी कर रही थी बंगाल चुनाव में। बाहर से आए, बाहर से लोग आए ना बंगाल चुनाव में बीजेपी का, अब त्रिपुरा में भी बंगाल से बाहर के लोग आ रहे हैं। ये कोई बात हुई क्या? जो बीजेपी ने जो बंगाल में टीएमसी के साथ किया, टीएमसी जो है त्रिपुरा के साथ वही कर रही है। कोई लोकल लीडर से बात नहीं हो रही है, रोज कोई कलकत्ता से कोई आदमी आ जा रहा है। क्या त्रिपुरा में लीडर की कमी है क्या? त्रिपुरा का अपना स्वाभिमान है कि नहीं कि बाहर का आदमी क्यों आएगा? इस जो भी मतभेद हो रूम के अंदर, कुछ भी बोलिए, दरवाजा बंद करो, जो बोलना है सुनाओ मुझे। रूम के बाहर कांग्रेस कोई गुट नहीं, एक ही कांग्रेस है। सोनिया गांधी जी प्रेसिडेंट है, राहुल गांधी जी हमारा नेता है, यही कांग्रेस है। रूम के अंदर कुछ भी बोल सकते हो, घर की बात है, घर के बाहर परिवार का बदनामी नहीं होगा किसी हालत में, बर्दाश्त नहीं करता। रूम के अंदर बंद करो, जो सुनाने में सुनने को तैयार हो, 10 घंटा सुनने को तैयार हो। ये माध्यम आपके माध्यम से सभी, क्योंकि वायरल होगा, वीडियो चलेगा, मैं इस पर बड़ा कड़ा हूं। मैं झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष था, मैंने वही किया। रूम के अंदर कुछ भी बोल सकते हो, मेरे खिलाफ भी बोल दो, और जब राहुल जी को बोलने आएंगे या राहुल जी के सामने बोलना, मेरे खिलाफ भी बोल सकते हो रूम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। चाहिए कि पब्लिक का सेवा करना, क्लियर है ना? तो जिसको भी चुनाव लड़ना है, और चुनाव का भी क्राइटेरिया हम एकदम ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, जो झंडा लगाएगा, जो धरना देगा, जो मेंबर बनाएगा उसी को टिकट। अजय कुमार अगर मेंबर नहीं बनाएगा तो अजय कुमार का टिकट अजय कुमार ही काटेगा। तो जन्म का जन्मजात दुश्मनी चल रहा है उन लोग से, तो आरएसएस और बीजेपी के साथ, तो इसलिए तो सवाल ही नहीं। जहाँ तक त्रिपुरा माता है, मैंने पहले भी कहा था कि प्रद्युत जी और हमारा विचार और नियत और पॉलिसी करीब करीब बराबर है। हम एक ही सोच के लोग हैं, इंडिजिनस पीपल के हक के लिए, माइनॉरिटी के हक के लिए, स्केड्यूल कास्ट के हक के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ, गरीब लोग के पक्ष में। तो त्रिपुरा माता और कांग्रेस में कम से कम पॉलिसी और नियत में समन्वय है पूरी तरह से। अब बाद में देखा जाएगा, अभी तक तो हम पूरी तरह से संगठन पर ही फोकस कर रहे हैं। त्रिपुरा माता की धरती में क्या इतने इतने अच्छे लीडर्स हैं, दिखाई नहीं दे रहा कि बाहर से कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ के घुस आ रहा है दो लोग? ये गलत बात है। हम आए हैं सिर्फ एक ही काम के लिए कि त्रिपुरा के लड़के और लड़की को आगे बढ़ाना। हमारा काम AICC का सिर्फ एक ही है
कि त्रिपुरा का नेतृत्व होना चाहिए, कोई बाहर क्यों आएगा? यहाँ के जो जन, यहाँ के जो इंडिजिनस लोग के बच्ची, कोई स्केड्यूल कास्ट का, कोई गरीब परिवार का लड़का लड़की है। लास्ट में हम एक ही चीज कहेंगे, जो भी लड़का लड़की जो गरीब परिवार का हो या अमीर का हो, कोई मतलब नहीं। अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है वो हमारे पीसीसी को अपना बायोडाटा दे दे, कोई मतलब नहीं है हमको। जो है हमारे माता जी है कांग्रेस पार्टी, और माँ का इज्जत रखना हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता की जिम्मेदारी। जब माँ की इज्जत नहीं रहेगी तो बाकी क्या रहेगा? गलत बोल रहे क्या? तो इसलिए माय मदर इज द पार्टी, सो यू मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। क्लियर है? और कोई बात